तो फ्रेंड्स फाइनली ये महामृत्युंजय के टेंपल के सामने हूँ, अभी अंदर जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल हरि रविदास ब्लॉग पर। तो आप लोग देख ही लिया है कि पहले वीडियो में गाड़ी का स्पीड से, हवा का आवाज़ से, मतलब भैंस अच्छा से नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भैंस सफ़र कर रहा हूँ अभी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे गांव से उदलगुड़ी से महामृत्युंजय शिव टेम्पल, जो कि हमारे आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे उदलगुड़ी से महामृत्युंजय टेम्पल 131 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप में। तो चलिए हमारे साथ शिव दर्शन के लिए, महामृत्युंजय दर्शन के लिए हमारे के साथ गाड़ी में बैठ लीजिए और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। भैया का लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेजपुर आ चुके हैं अभी, उसमें जाना है। नमस्ते दोस्तों, आप लोग इतने दूर तक वीडियो देख ही चुके हैं तो लास्ट तक आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं अनोखा दृश्य और नेचुरल व्यू, जो कि ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर कलियाभोमरा सेतु। तो इस सेतु लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये ब्रिज का निर्माण आरम्भ हुआ था, कंस्ट्रक्शन इसका 1981 में, और 1987 में इसका कंप्लीट हो गया था। और ये ब्रिज
सोनितपुर, तेजपुर और नगाँव डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। तो ये ब्रिज पूरा फुल कंक्रीट का बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं रोड NH 750 ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर कलय भूमरा सेतु। तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए, महामृत्युंजय शिव टेम्पल आप लोगों के ज़रूर दर्शन करने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, आगे तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिए। चले आगे देखते रहिए। फाइनली दोस्तों आप लोगों को दर्शन कराने जा रहा हूँ असम के नौगांव ज़िले में स्थित महामृत्युंजय शिव मंदिर, जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और ऊंचा शिवलिंग है। तो आप लोगों को सामने वो मंदिर आगे आने वाला है। तो चलिए, इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया, आप लोगों के साथ मैं भी दर्शन करूँगा भगवान भोलेनाथ का। ये सबसे वर्ल्ड का बड़ा शिवलिंग दर्शन करने को मिलेगा। तो जो कि मैं पहले वीडियो में देखता था डिंपू भाई और विकास भाई की, क्योंकि न्यूज़ इतना मैं नहीं देखता था पहले, तो उन लोग को वीडियो में देखा था। तो आज आंखों के सामने से ये वीडियो में जैसा दिखता था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं भी दर्शन करता हूँ ये भोले बाबा का सबसे ऊँचा शिवलिंग आकार में ये बना हुआ है। दोस्तों महामृत्युंजय टेम्पल जो कि शिवलिंग के आकार में बना हुआ है, ये मंदिर 126 फुट ऊंचाई है इसका। इसका स्थापन जब हुआ था कई हजारों साल पहले, यहाँ गुरु शुक्लाचार्य ने यहाँ यज्ञ किए थे, इसी कारण यहाँ महामृत्युंजय मंदिर का स्थापन हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये महामृत्युंजय के टेंपल के सामने हूँ, अभी अंदर जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तो बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ आज, बहुत दिन से सोच रहा था कि महामृत्युंजय टेंपल आऊँगा, फाइनली आज आ गया हूँ। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के अंदर जाके भोले बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर में पहले घुसने से पहले यहाँ पूजा करने के लिए ये लोग यहाँ पर धूप और बेलपत्र जो भी दिया जला कर, तो उसके बाद ये मेन मंदिर जो है इसमें जाने के लिए बोले। तो चलिए यहाँ का। दोस्तों जो भी भक्त यहाँ पर मंदिर में आते हैं, पहले यहाँ आकर दिया बंती जलाकर धूप पुष्प चढ़ाकर, तो फिर वो जो मेन मंदिर है वहाँ पर जाते हैं। तो हम लोग भी जलाएंगे यहाँ और वहाँ मेन मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोग ने भी यहाँ पर दिया पुष्प और धूप जलाया है और यहाँ पर दिया बंती जलाकर फिर हम मेन मंदिर में जाएंगे।
दोस्तों अब हम मेन मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं वहां जाके कैसा है अंदर का दृश्य, तो आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हमारे साथ। तो अभी अभी पता चला है कि मंदिर का ये नीचे भाग में जो कि शिवलिंग है वहां पर जाने से अभी मना कर रहे हैं, क्योंकि बंद हो गया है अभी, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ के जाना होगा, तो चलिए। दोस्तों अंदर वीडियो बनाने के मना कर दिए सिक्योरिटी भैया ने। तो दोस्तों मैं अंदर जाकर पूजा और टीका शिका लगा कर आ गया हूँ अभी, तो अंदर का वीडियो और फोटो उठाने नहीं दिए हैं, तो इसे मैंने सब चारों तरफ घूम लिया और आप लोगों को जितना भी दिखाने की कोशिश किया। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तो हर हर भोलेनाथ, भोलेनाथ के दर्शन हो गया, ये देखिए।